बक्सर जिले के ब्रह्मपुर यानी बाबा परमेश्वरनाथ मंदिर में वैसे तो सालों भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन सावन माह और महाशिवरात्रि पर्व के दौरान यहां लाखों की संख्या में शिव भक्त बाबा पर जलाभिषेक करने के लिए पहुंचते हैं। वहीं इस जगह पर गुड़ से बनने वाले शंकर का लड्डू बहुत प्रसिद्ध है। अन्य मिठाइयों की तुलना में इस लड्डू की विशेष महत्व है। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस लड्डू के चढ़ाने से भगवान परमेश्वरनाथ प्रसन्न होंगे, लिहाजा जो भी भक्त मंदिर पहुंचता है सबसे पहले प्रसाद के तौर पर शंकर का लड्डू खरीदता है, जिसे जलाभिषेक और पूजन के दौरान बाबा पर भोग लगाकर प्रसाद के रूप में लोग ग्रहण करते हैं। ब्रह्मपुर में स्थित बाबा परमेश्वरनाथ मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। वैसे तो ब्रह्मपुर धाम में लगभग 60 से अधिक मिठाई दुकानें हैं, लेकिन मंदिर के ठीक सामने 125 साल पुरानी एक मिठाई की दुकान है, जिसका नाम भूखन मिष्ठान भंडार है। इस दुकान में शंकर का लड्डू खूब बिकता है। दुकानदार गोकुल चंद्र विश्वास बताते हैं कि शंकर का लड्डू बनाकर बेचने की शुरुआत आज से 125 साल पहले उनके दादा स्वर्गीय शिवदास सरोज के द्वारा किया गया। तैयार होता है, बढ़िया क्वालिटी का गुड़ आता है, जो आपको मध्य प्रदेश वगैरह से आता है गुड़, उससे बनता है। चने का शुद्ध जो है कि नहीं बेसन रहता है, उससे बूंदी बनता है। बूंदी और गुड़ के लड्डू, गुड़ में मिला करके ये लड्डू बनता है। कितने प्रकार के यहाँ पर शंकर के लड्डू बनाए जाते हैं? वैसे तो मेरे यहाँ जो पॉपुलैरिटी है वो शुद्ध घी की बनती है ज्यादातर, उसके बाद रिफाइन वाली ऑयल में बनती है शुद्ध घी के लड्डू। मतलब एक प्रकार का लड्डू बनाते हैं? जी जी। और क्या रेट रहता है किलो का भाव उसका? अभी तो रिफाइन वाली जो लड्डू है 160 रुपए केजी है, और जो घी वाली जो है 240 रुपए किलो। तो मतलब ये जो है लड्डू ये बाबा पर भी चढ़ता है? जी हाँ। जो आते हैं श्रद्धालु यहाँ से खरीद के ले जाते हैं? हाँ हाँ। क्या करते हैं पहले, खरीदते हैं यहाँ पर? पहले तो जैसे कि चीनी से निर्मित नहीं है, ये गुड़ से निर्मित है। वैसे स्वास्थ्य के लिए भी ये अच्छी चीज है, और दूसरी चीज की जिनको डायबिटीज पेशेंट रहते हैं वो भी लाइक करते हैं थोड़ा बहुत। उसके बाद इसको मतलब हाँ ऐसे भी लेकर के जाते हैं? हाँ हाँ ऐसे भी। मुझे तो लगता है कि बहुत सारे कंट्रीज में ये बहुत सारे लोग ले आते हैं यहाँ पर प्रसिद्ध शंकर का लड्डू। हाँ हाँ। आपका दुकान जो है कब से यहाँ पर है? ये तो मुझे लगता है कि हम लोग 3 पुश से चला रहे हैं, मेरे दादाजी, उसके बाबा, पिताजी और मैं। कितना वर्ष हुआ होगा ये? करीब करीब मुझे लगता है कि 125। हाँ हाँ। 100 सर। भूखन मिष्ठान भंडार। केवल मतलब लड्डू ही बेचते हैं आप? जी हाँ, लड्डू मिलता है, छेने का मिठाई भी होता है। प्रतिदिन कितना बिक जाता है? करीब प्रतिदिन मुझे अंदाज है कि 20-25 केजी बिक जाता है। कितनी दुकानें होंगी लगभग यहाँ? तो मुझे लग रहा है कि मार्केट में करीब करीब 60-70 दुकानें होंगी। कब बनाते हैं आप लोग? घर पर ही बनाते हैं? जी नहीं, पीछे कारखाना है मेरा। कारखाना है, बनता है। कितना देर लगता है बनाने में? इसको बनाने में करीब करीब एक घानी जो बनता है उसमें करीब करीब 1-1.5 घंटा लगता है। अच्छा, आने प्रोडक्टों को जीआई टैग मिल रहा है, तो बक्सर के प्रसिद्ध जो ये ब्रह्मपुर का लड्डू है, इसको क्या लगता है कि इसको भी जीआई टैग मिलना चाहिए? मिले तो बहुत बेहतर होगा हम लोगों के लिए। आपका परिचय? जी, गोकुल चंद्र विश्वास। मैं आपको एक चीज बता दूं कि बाबा परमेश्वरनाथ का ये धाम है, यहाँ गुड़ का निर्मित शंकर लड्डू जो हम लोग कहते हैं यहाँ का विश्व प्रसिद्ध है। मैं कई लोगों से सुना हूँ कि वहाँ वहाँ का शंकर लड्डू लाने के लिए, मुख्यमंत्री जी भी इस सच को जानते हैं, लालू यादव जी भी जानते हैं, और मुझे लगता है कि पूजनीय संचालक जी भी आए थे, उनका भी इस पर टेस्ट मिला था, जो बताया कि भाई बहुत अच्छा है, ये बहुत विश्व प्रसिद्ध मिठाई है शंकर का लड्डू। कब से यहाँ पर ये बनते हैं? ये बहुत पहले से है। अच्छा, क्या प्रयास करेंगे जीआई टैग को लेकर? इसको तो जीआई टैग मिलना चाहिए, मैं शासन प्रशासन से आग्रह करूंगा, मैं कुछ लोगों से बात भी किया हूँ, इसको टैग मिलना चाहिए, जो आयुष टैग मार्क है ये यहाँ मिलना चाहिए, इस चीज को अर्हता पूरा कर रहा है। आपका परिचय? मैं शंभुनाथ पांडे, गंगा समर्थ संयोजक, दक्षिण बिहार।